हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्लाइडिंग विंडो के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, टीसीपी हेडर में एक विंडो फील्ड होता है। इस विंडो फील्ड से ये डिफाइन किया जाता है कि रिसीवर कितनी बाइट्स का डाटा एक बार में रिसीव कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई सेंडर की डाटा ट्रांसफ़र स्पीड और बफर साइज़ अधिक हो सकती है, लेकिन यदि दूसरी तरफ रिसीवर की स्पीड और बफर साइज़ कम हो तो रिसीवर कम बाइट्स की विंडो साइज़ वैल्यू सेट करके सेंडर को भेजेगा। इससे सेंडर को ये पता चलता है कि रिसीवर कितना डाटा कितनी तेज़ी से रिसीव कर सकता है। सेंडर शुरू में हमेशा कम साइज़ के सेगमेंट्स ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जब सेंडर को लगता है कि रिसीवर आसानी से रिसीव कर रहा है तो सेंडर ट्रांसफ़र स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करता है और ज़्यादा साइज़ का डाटा भेजता है। यदि रिसीवर इस साइज़ के डाटा को रिसीव कर लेते हैं तो सेंडर आगे के सभी पैकेट्स इसी साइज़ में भेजता है। थोड़ी देर के बाद सेंडर वापस ट्रांसफ़र स्पीड को बढ़ाने के लिए और बड़ी साइज़ का डाटा भेजता है। यदि रिसीवर इस डाटा को भी रिसीव कर लेता है तो सेंडर फिर उसी साइज़ का डाटा भेजता है, लेकिन यदि इस डाटा का साइज़ रिसीवर के बफर के अधिक होता है तो रिसीवर विंडो फील्ड की वैल्यू 0 सेट करके भेजता है। इससे सेंडर को पता चलता है कि रिसीवर इस साइज़ का डाटा रिसीव नहीं कर सकता है। इसके बाद सेंडर कम साइज़ का डाटा भेजता है। विंडो साइज़ का मतलब ये होता है कि कितने सेगमेंट या बाइट सेंडर बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के भेज सकता है। जब रिसीवर सेगमेंट रिसीव करता है तो आखिरी सेगमेंट में +1 करके एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जिसका मतलब होता है कि पिछले सभी सेगमेंट रिसीव कर लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे।